जलंधर की रामा मंडी थाने की पुलिस ने एक नाइजीरियन लड़के और लड़की को 4 किलो हेरोइन और 1,35,000 रुपए की नकदी सहित काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर अर्पित शुक्ला ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान ओगो एम्यूल और लड़की ओको प्रेशियस दोनों निवासी नाइजीरिया के तौर पर हुई है और पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रामा मंडी के अधीन आते इलाके पंचशील कॉलोनी के एक घर से इन्हें काबू किया है जो कि वहां पर रहकर नशे का कारोबार करते थे। उनके मुताबिक लड़का पिछले 2 महीने से इस घर में रह रहा था जबकि लड़की दिल्ली में रहती थी और इसके पास आती जाती रहती थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। SHO रामा मंडी इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने एक खास इतला थे, एक पंचशील एनक्लेव नामक कॉलोनी में रेड किया। इन्होंने नाम DSP सेंट्रल मिस्टर देवदत्त भी नाल से और उतने 2 नाइजीरियंस में हेरोइन के नाल गिरफ्तार। एक मुलजम का नाम अबू इमानुअल उम्र 32 साल, ये को 2 किलो हेरोइन और 1,45,000 रुपया कैश फड़े और इसकी साथन ओको प्रेशियस ये लड़की है, ये भी मूल निवासी नाइजीरिया भी है और इसकी उम्र 20 साल है। ये को 2,02,000 हेरोइन और 1,00,000 रुपए की हिंदुस्तानी करेंसी इन्होंने बरामद। पुलिस ये जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है कि ये कितों आई और कितने जानी सी ये डेस्टिनेशन बारे और जो पता लग गया तो साझा। अबू इमानुअल इतने किराए का मकान लेके लगभग 2 महीने तो इतने रह रहा है और इसने मकान मालिक ने दसिया कि मैं स्टूडेंट है जबकि कोई स्टूडेंट नहीं सी और बाकी सारी असी पुलिस रिमांड लैके प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके इंटरोगेट करके तो तथ्य जिन्हें आने के मैं तुम्हें दसिया जिस तरह कि लैंग्वेज इज अ बिग बिग इज अ बैरियर इन दिस केस और यदि असी डूंगाई नाल तफ्तीश करके सारी गलत तो सामने वो भी असी तफ्तीश करेंगे कि यह डेलीबरेट सी या कोई उन्होंने चूक हो गई और उसके मुताबिक जो बनती कार्रवाई है जरूर करेंगे। लेकिन ये 4 किलो 999 एक ऐसा मार्का है क्वालिटी दे हेरोइन काफ़ी बड़ी रिकवरी है।